माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटनेस में पोस्चर की और हमारी फुल बॉडी असेसमेंट की। तो मेरे साथ है निखिल और साथ में है साहिल, ये दोनों ही आज मेरे पास ज्वाइन किए हैं। तो सबसे पहले, जैसे ही ये ज्वाइन किए हैं, तो हमारा ये दायित्व है, हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम लोग उनकी फुल बॉडी को असेस करें। दूसरी टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि फिटनेस ज्वाइन करने से पहले उनकी फुल बॉडी असेसमेंट या फिर पूरी बॉडी का मूल्यांकन या पूरे शरीर का, एक किस्म से हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं मेडिकल जैसे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही ज्वाइनिंग के टाइम पे इनकी बॉडी किस स्टेज में है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनका पोस्चर कितना है और उनका फिटनेस ज्वाइन करने का गोल क्या है, एम क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, उसमें से आप चूज कर लीजिए। तो आप जनरल फिटनेस, वेट गेन, वेट लॉस, पोस्चर बैलेंस, लीन गेन करना है या आप लोगों ने बल्क गेन करना है, फैट लॉस के साथ मसल गेन करना है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिर आप लोगों को आर्मी या पुलिस या कोई भी बेल्ट फोर्स की तैयारी करनी है, तो आप लोग इनमें से कोई एक गोल चूज कर सकते हैं दोनों। तो सबसे पहले पूछूंगा साहिल, सर वेट गेन और पोस्ट बैलेंस वेट गेन और पोस्चर बैलेंस। ओके। तो साहिल ने क्लियर कर दिया है कि ये अपना पोस्चर को ठीक करेंगे और साथ में वेट गेन करेंगे, अपना वजन को बढ़ाएंगे। बात करते हैं निखिल से। हाँ निखिल, सर पोस्चर गेन और वेट पोस्चर गेन नहीं होता है, पोस्चर बैलेंस, आपका जो पोस्चर शरीर का ढांचा है वो, और लीन, गेन सॉरी वेट गेन। तो ऑलमोस्ट इन दोनों का सेम ही गोल है और सेम ही एम है, दोनों जने वेट गेन करेंगे और साथ में अपने पोस्चर को सही करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इनकी ट्रेनिंग रन करेंगे, लेकिन जो जो इनकी असेसमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई है वो हम पूरा चेक करेंगे। तो कुछ एक दो जनरल क्वेश्चन और हैं, वो भी इनसे क्लियर कर लिए जाएं ताकि फिर बाकी ट्रेनिंग में उसी हिसाब से इनको डाइट प्लान की जाए और उसी हिसाब से इनका वर्कआउट प्लान किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री, हिस्ट्री में जैसे ये लोग दोनों जने आए हैं, तो हम लोगों ने ये इतना ये जरूर क्लियर करना है कि कहीं इनको कोई, मतलब इनकी इंटरनल या कोई बॉडी में कोई ऑलरेडी कोई डॉक्टर की द्वारा कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कोई बोन फ्रैक्चर हो या कोई इंटरनली इनको हाई बीपी प्रॉब्लम हो, कई बार शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें इनसे पूछ ली जाएंगी कि ताकि ट्रेनिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछता हूँ आप लोग दोनों में से, आप बताइए कोई इस प्रकार का कोई इशू तो नहीं है कि आप लोगों को डॉक्टर ने मना कर रखा हो कि नो आप सर लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो? वेरी नो सर गुड। तो जैसा कि दोनों ने बताया कि इनको इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो कुछ एक दो और क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा, और अमूमन ये चीजें आजकल यूथ में आ गई हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, नशा हो गया, तो फिर भी ये कंफर्म करना जरूरी है क्योंकि ये फिटनेस में नशा हो गया, ड्रिंकिंग और कुछ भी, ये चीजें बहुत नुकसान करती हैं, तो ये क्लियर करना भी जरूरी है। तो आप दोनों से क्वेश्चन, क्या आप लोग स्मोकिंग करते हो? नो सर नो सर ओके। कोई ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल, नो सर कोई और तंबाकू प्रोडक्ट, कोई नो सर बीड़ी, सिगरेट स्मोकिंग नो सर एटसेट्रा, कोई और अदर, नो सर नो सर और भी ड्रग्स बहुत आ गए हैं इंडिया में, क्या आ गए हैं हिमाचल में, हर जगह कोने कोने में आप आए दिन ये खबरें सुनते हो, तो क्या आप लोग तो नहीं उस चपेट में आ गए नो हो? सर जाने अनजाने में यूथ इस चपेट में बहुत आ रहा है, तो कोशिश कीजिए दूर रहो, इन चीजों से बच के रहो, लेकिन आपका वेलकम है कि आप लोगों ने फिटनेस को चूज किया है। तो सबसे पहले हम लोग इनका चेक करेंगे बीएमआई, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इनकी एज, हाइट और वेट की। तो सारे एज 18 18, वेट वेट हम चेक करेंगे और हाइट आपकी एज। ओके, तो निखिल का वेट है 47 kg। और उसके बाद साहिल, साहिल का वेट है 45, 168.8।
168.8 सेंटीमीटर साहिल। सेंटीमीटर बॉडी फैट परसेंट चेक। बॉडी फैट परसेंटेज ये जो हमारा नेवल होता है उससे लगभग 1 सेंटीमीटर अपना राइट साइड में हमने स्किन फोल्ड टेस्ट ठीक इस प्रकार से पकड़ के और ये फैट क्लिपर से हम ये चेक करने का बॉडी फैट परसेंटेज चेक करने का तरीका। चार नेक्स्ट साहिल थी और ये उसके बाद थोड़ा नजदीक आओ। तो साहिल की 4 है और निखिल की 8%। तो ये क्यों चीजें इस में बहुत जरूरी है ये चीजें चेक करना, BMI हो गया, ये इनकी फैट परसेंटेज चेक हो गया। मैक्सिमम क्या करते हैं लोग कि जैसे कहीं पे भी ट्रेनिंग सेंटर में, फिटनेस क्लब में, जिम में कोई बच्चा, वैसे तो मैक्सिमम करते नहीं है लेकिन कोई गलती से करता भी होगा तो बस आए देखेंगे नहीं कि किसी बच्चे का वेट कम है, पहले से ही फैट परसेंटेज कम है और इतना ज्यादा वेट उनका कम होता है, उसके बाद भी उनको दौड़ा दौड़ा के रनिंग करा के बेचारों की मतलब हड्डियां और मांस अलग कर देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर उनकी फैट परसेंटेज और पहले से ही वेट कम है तो पहले उनका वेट इंक्रीज करो और उसके ऊपर काम करो, उनकी फैट परसेंटेज इंक्रीज करो उसके ऊपर काम करो, फिर उसके बाद उनको ट्रेन करो। ऐसे इस पोस्चर में आपने एक पैर पीछे और एक पैर बिल्कुल एक लाइन में खड़े करना है और कम से कम 1 मिनट तक इसी पोजिशन में होल्ड करना है। अगर आप इसके दौरान अगर आप लोग किसी भी एक साइड में पहले एक पैर को आगे रखेंगे फिर दूसरे पैर को, दोनों को वाइस वर्सा आप लोग चेक करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की, अभी मैं पूछूंगा आपको कि एक तरफ आपका कोई किसी तरह झुकाव हो रहा है या आपको कोई कमी, मतलब अगर सीधा मैं बता देता हूं, अगर आपका पोस्चर सही है, बैलेंस है, सही है बॉडी बैलेंस, दोनों तरफ के आपके मसल बराबर हैं, दोनों तरफ की आपकी वेट बराबर है बॉडी में, तो कहने का मतलब है आप लोग एक तरफ या किसी भी तरफ आप झूलेंगे नहीं या एक तरफ आप बेंड नहीं होंगे। तो अप्रोक्स इसका पोस्चर मेरे को बैलेंस जो है लगभग एक बार, अभी दूसरा पैर आगे करो। तो अगर 1 मिनट आप लोग इस पोजीशन में होल्ड कर लेते हो तो इनमें इट मींस आपका जो बॉडी बैलेंस है वो सही है। चलो इनके पूरे ज्वाइंट क्या मूवेबल है, मतलब अच्छे से मूव कर रहे हैं, उनकी मोबिलिटी कैसी है, तो वो चेक करेंगे। वो कैसे, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग नेक ज्वाइंट चेक। तो नेक ज्वाइंट का पहले अप एंड डाउन रोटेशन करो, अप डाउन, राइट लेफ्ट, कम से कम 10-10 रोटेशन अप एंड डाउन और राइट लेफ्ट। उसके बाद शोल्डर ज्वाइंट, हाथ कर राइट आर्म रोटेट करो पीछे लेफ्ट, दूसरे वाले आगे को घुमाओ, ये अब पीछे स्टॉप। अब उसके बाद एल्बो 1, 2, 3, 4, 5 दोनों एक साथ 1, 2, 3। उसके बाद नेक्स्ट ये जो रिस्ट है रिस्ट को घुमाओ, उसके बाद ये फिंगर्स करो, टांग बोलो थोड़ा सा रोटेट करो, राइट टू लेफ्ट, हाँ लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ घुमाओ। उसके बाद हाँ नी जॉइंट के लिए बैठ जाओ नीचे, पूरा बैठ जाओ नीचे, अप बैठ जाओ नीचे, अप बैठ जाओ नीचे, अप। तो नी जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। अगर नी में जैसे अभी बैठ रहे थे उठ रहे थे, अगर इसमें नी के बीच में कुछ भी थोड़ी बहुत भी आपको साउंड फील होती है या कुछ आपको टक टक की आवाज होती है तो उसके लिए फिर इसका मतलब नी ज्वाइंट भी आपके में प्रॉब्लम है। लेकिन इनका बिल्कुल स्मूथ है, कोई ऐसी दिक्कत है अभी तक सामने नहीं आई। नेक्स्ट है इनका एंकल ज्वाइंट,
चलो आगे करो, रोटेट करो, पूरा घुमाओ, राइट लेफ्ट पाई पाई रोटेशन। दूसरा राइट लेफ्ट, इस पोजीशन में हाथों को आगे करते हैं तो हमारी बिल्कुल जो बाजू है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, खास करके आर्मी मेडिकल में बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसे करो, आगे करो, आप भी करो। और उसके बाद एक और चीज चेक करते हैं, वो है ये देखो, इनकी जो बाजू है आर्म वो तो ठीक है, लेकिन अब इसमें जो एक और प्रॉब्लम जो आर्मी में जाने से आपको रोक सकती है वो है कैरिंग एंगल। तो कैरिंग एंगल मतलब जब ऐसे आर्म है सीधी है, लेकिन कई 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 बच्चों की या कई कई जवानों की, कई कई लड़कों की क्या होता है, आर्म मतलब इतने इससे भी ज्यादा ये इस एंगल से नीचे चली जाती है, तो यहां से वो ऊपर, तो मतलब ये तो सीधी है, अगर इससे भी नीचे अगर ये इस एंगल में आ जाती है तो उसको हम कैरिंग एंगल बोलते हैं। तो ये भी कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये भी एक्सरसाइज से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इन दोनों की बिल्कुल आर्म जो है वो बिल्कुल सही है, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो वो हम इनकी एक्सरसाइज से हम ठीक कर देंगे। कि हमारा जो ये स्कैपुला है इसको हम बोलते हैं स्कैपुला, ये चीज, तो स्कैपुला के नीचे अगर कई बार आप लोगों ने देखा होता है कि कई कई लोगों का ये बहुत ज्यादा उठा होता है, ये तो इसका मतलब होता है अगर आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे हाथ यहाँ पे घुसाना है, अगर इजिली ये तो इसका थोड़ा सा मतलब एंटर हो रहा है यहाँ से, ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कईयों का क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे हाथ अंदर घुस जाता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ये ऐसे डाला नहीं और ऐसे और अंदर तक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका मतलब रोम्बॉइड मसल वीक है। नेक्स्ट हम लोग इनका चेक करेंगे पूरा फुल पोस्चर बॉडी का वो कैसा है। तो सबसे पहले आगे उठिए, कोई भी आपने ऐसे थ्रेड लेना है और उसके साथ कोई भी चीज बॉल टांग दो या कुछ भी है, कोई भी चीज इस टाइप से आप बीच में टांग दो और बिल्कुल आपको ऐसे लटका दो, तो आपने बिल्कुल इसके सामने खड़े हो जाना है, बिल्कुल नाक की सीध में से जो थ्रेड है उसको लेना है। फ्रंट से दिखा दो आप, ठीक ऐसे ये बिल्कुल सेंटर में, मतलब ये जो थ्रेड है वो बिल्कुल नाक के बीचों बीच है। अगर तो इसको चेक करने का क्या मेन मकसद है कि अगर ये जो थ्रेड है आपको पूरा नोज और बिल्कुल नेवल और ये बॉडी को बीचों बीच काट रहा है, दोनों तरफ को मतलब दोनों हिस्सों को, बॉडी को दोनों हिस्सों बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो अप्रोक्स साहिल का बिल्कुल फ्रंट पोस्चर जो है वो सही है, नो राइट नो लेफ्ट। साहिल में तो कम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी नी नोक वाली थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है नी नोक वाली भी, तो इसको भी हम ठीक करेंगे और जल्दी जैसे ठीक हो जाएगा निखिल तो हम इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। ये चीज एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा नी नॉक एक्सरसाइज वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले से ही वीडियो हमने वो डाल रखा है, आप लोग यूट्यूब पे हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं सारी चीजें चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे शोल्डर के पास, एक डॉट यहाँ एल्बो के पास, एक डॉट हम लगाएंगे एक डॉट यहाँ पे नी जॉइंट के पास, और एक अभी मैंने ये जो कान के पास, शोल्डर के पास, यहाँ पे एल्बो के पास, नी और टखने में, एंकल में जो जॉइंट जो पॉइंट्स लगाए हुए हैं मार्कर से मैंने पॉइंट लगाए हैं, अगर इस थ्रेड में जब इस निखिल को हम ऐसा खड़े करेंगे तो अगर ये एक सीध में आते हैं मतलब एक लाइन में आते हैं, इट मींस कि उसका पोस्चर बिल्कुल सही है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं,
तो मैं चाहूंगा इस एंगल से आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ये डाउन पूरी बॉडी को लो यस यस। तो यहां से आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जब निखिल ऐसे खड़ा है तो इसकी ये देखो मैं चाहूंगा ये देखो तो इसका हेड जो है वो इस धागे से आगे है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि निखिल का हेड फॉरवर्ड है और आजकल ये बीमारी ये जो पोस्चर इम्बैलेंस है ये 95% यूथ में है बच्चों में है और इसका कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हों या बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल चलाते हों वीडियो गेम्स खेलते हों। ये पोस्चर अक्सर बच्चों में देखा गया है और इसकी तादाद बच्चों की दिन ब दिन बढ़ रही है इस पोस्चर की हेड फॉरवर्ड की। नेक्स्ट डाउन फोर डाउन फाइव। तो अभी तक अगर ज्वाइनिंग के टाइम अगर आप मिनिमम 5 पुलअप लगा लेते हो तो इसका मतलब आपकी नॉर्मली स्ट्रेंथ ठीक है। ओके जल्दी से कंक्लूजन रखिए 1 2 3 ज्वाइनिंग के टाइम अगर आप 5 पुलअप और 10 पुशअप एक साथ लगा लेते हो तो इसका मतलब आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं कि कोर स्ट्रेंथ चेक। कोर स्ट्रेंथ मतलब इनके एब्डोमिनल तो ठीक ऐसे आप लोगों ने 45 डिग्री में लगा दो पीठ लगा दो पीछे लगा दो हाथ अपनी चेस्ट के पास नमस्ते नमस्ते करोगे। अभी मैं यहां से ये दोनों फट्टे हटा दूंगा ठीक है और आप लोगों ने अपने आप को रोकना है। तो इस पोजीशन में अगर जो बिगिनिंग में स्टूडेंट आया है या कोई भी जवान अगर एक मिनट तक होल्ड कर लेगा तो इट मींस उसकी स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ सही है। ये मैं अपना ओजल फिटनेस की तरफ से रखा हुआ है कि हम प्लैंक टेस्ट भी करते हैं कि जब बिगिनिंग में ज्वाइनिंग में उनका प्लैंक में जो प्लैंक कितनी देर करते हैं। ओके रेडी प्लैंक अप 1 2 तो गाइस आप लोगों ने देखा कि एक लड़के ने 17 और दूसरे ने लगभग 20 सेकंड प्लैंक किया और ये बिगिनर है मतलब ये इनकी डे वन है ज्वाइनिंग के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ है इनकी। ये इनका इस टाइप का इनका पोस्चर है इस टाइप का इनकी पूरी कोर स्ट्रेंथ है बॉडी बॉडी की पूरी हमने स्ट्रेंथ और पोस्चर पूरा चेक कर लिया है। अगर आर्मी के लिए आपको चेक चाहिए तो अगर आपकी चेस्ट आपकी 77 to 82 चल रही है अगर आपकी 77 पूरी है तो फिर उसके बाद एक्सपेंशन आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्लॉप दोस्तों ये था फुल बॉडी असेसमेंट जिसमें इनका पूरा टोटल जो ज्वाइनिंग के ऊपर जो मतलब एसेंशियल है मैंडेटरी है वो है असेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो वो आज निखिल और साहिल की हमने वही की है और काफ़ी दिनों से ये मैसेज और मेल्स वगैरह और डिमांड भी थी इस टाइप का कि वीडियो बनाओ सर कि पूरी बॉडी को असेस कैसे किया जाता है। तो ओजो फिटनेस के अकॉर्डिंग और मेरी जितनी स्टडी है जिस हिसाब से तो हम ऐसे ही असेस करते हैं बॉडी को। तो उम्मीद है आप लोग भी जब भी आप लोग कहीं पे ट्रेनिंग करने या फिटनेस ट्रेनिंग करने या अपने बॉडी बिल्ड करने या फिर आप आर्मी पुलिस वगैरह की भी ट्रेनिंग तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं चेक करने को ताकि बच्चे की सेहत के साथ बच्चे की फ्यूचर के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। अगर इनका वेट कम है तो सबसे पहले इनका वेट गेन कराओ इनका वेट पूरा करो अगर इनकी चेस्ट कम है तो उनकी चेस्ट पूरी कराओ इनका वो चीज़ें पूरी करो जिनके बीच में कमियां हैं उसके बाद इनको आर्मी पुलिस वगैरह के लिए तैयार करो। ये नहीं कि सीधा बंदे आए उनके बीच में क्या कमी है पेशी है कुछ नहीं पर आउट इंडियन आर्मी जंग के मैदान में कदे ना हारते साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से हम गोली सीधी